नमस्ते गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। सो गाइस, इस लॉकडाउन में पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? और वन मोर थिंग इज, मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि मैम ये बताइए कि किस तरीके से हम लक्ष्मीकांत को इफेक्टिवली पढ़ सके। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई विल टेल अबाउट दैट हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत इफेक्टिवली। ओके, एंड प्लीज गाइस, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। सो गाइस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लक्ष्मीकांत, जो कि कहा जाता है इंडियन पॉलिटी का बाइबल है। ठीक है, सो गाइस, जो भी बच्चा यूपीएससी प्रीलिम्स का, मेंस का एग्जाम दे रहा है, प्रीलिम्स के पेपर के लिए स्पेशली मैं कहूंगी कि लक्ष्मीकांत बेस्ट है। बट अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं तो गाइस, जो राइटिंग है, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, द वे ऑफ जिस्ट है, वो सुभाष कश्यप का बहुत अच्छा है। ठीक है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और इसके अलावा तो हम लोग मेंस लिखने के लिए एडिटोरियल्स यूज करते हैं, गैजेट ऑफ इंडिया के भी कुछ सेक्शन को यूज किया जाता है। और इसी के साथ साथ हम लोग द हिंदू एडिटोरियल हो गया, गैजेटे हो गया, और आपका सुभाष कश्यप की राइटिंग हो गई द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, लक्ष्मीकांत ऑब्जेक्टिव के लिए सही है। ठीक है, और कुछ कुछ स्टैटिक क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया डायरेक्ट तो आप लक्ष्मीकांत से भी कर सकते हो। जैसे 2011 के पेपर में, मेंस के पेपर में पहला क्वेश्चन था कि वॉट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो 2011 की बात है वो 2020 की बात नहीं है, 2019 का पेपर उठाकर देखो, पेपर हैविंग अ वेरी डाइवर्सिटी, बहुत ही डाइवर्सिफाइड पेपर था। ठीक है, अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात करते हैं कि लक्ष्मीकांत को हम पढ़े तो पढ़े कैसे। ठीक है, सो गाइस, लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो आप उसे सेक्शन में कैटेगराइज कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सेक्शन ए जो है, उस सेक्शन को तो आप किसी भी हालत में उसे आप हटा, मतलब उस सेक्शन को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का पार्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से हमारे पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमांडर में क्वेश्चन आया। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, इसको पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जांपल, आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, पढ़ने के बाद प्लीज आप लोग ऐसे मत पढ़ा करिए जैसे पढ़ते हैं कि बस पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, काम खत्म, उसे कोई फायदा नहीं होगा। आपने पढ़ा तो पहले उसका इमेजिनेशन बनाना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहा है तो क्यों है, क्या है, हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है। आपने इस एस्पेक्ट में एक बार इमेजिनेशन बना के पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद आपने अपनी कॉपी एक सेपरेट बनाई होगी ना पॉलिटी की। ठीक है, अब आप उस कॉपी में अपने आप लिखो कि आपको क्या समझ में आया है। आपको वो नहीं लिखना है जो लक्ष्मीकांत में एज इट इज लिखा हुआ है, आपको वो लिखना है जो आपको चीज समझ में आई है, तब आपको वो चीज लिखनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको पता चलेगा कि यार मैं आधे घंटे पढ़ा हूं तो आधे घंटे में मेरे लिए फ्रूटफुल क्या चीजें निकल कर आई हैं, मुझे कितना समझ में आया है। नहीं तो ऐसे तो यार बुक पढ़ी रहती है, तो बुक पढ़ी रही है तो कितनी भी देर आप उसको निहारते रहो, कितनी भी देर पढ़ते रहो, वो एक आत्मा संतुष्टि है कि मैंने बहुत पढ़ा, पर उस पढ़ने का फ्रूट नहीं निकलता है उतना। ठीक है, तो एक तो हो गया कि हमने जो पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रियम्बल तो भाई मैं ये कहूंगी कि मतलब आप उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। अब जब जब हम मेंस आंसर राइटिंग में फंसते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं प्रियम्बल की लाइंस उठा के डाल देते थे। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि प्रियम्बल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो उसे तो आप घोल के पी जाओ। और मैं तो ये कहती हूँ कि सुभाष कश्यप से भी पढ़ो, क्योंकि सुभाष कश्यप में उसका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, दैट इज ऑसम, सीरियसली। ठीक है, ये हो गया मेंस के प्रोस्पेक्ट से, प्रियम्बल सुभाष कश्यप। ठीक है, अच्छा, हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग हो गया, प्रियम्बल हो गया,
उसके बाद हम बात करते हैं आपका पार्ट्स का, शेड्यूल्स का, वो आपको एज इट इज पढ़ना है, उसमें तो आप किसी बुक से पढ़ लो, एज इट इज आपको मिलेगा, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद बेटा हम बात करें तो आपका फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ड्यूटी, वो आपको घोल के पी जाना है। तो फर्स्ट सेक्शन हो गया। अब सेकंड सेक्शन की बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशन वाला सेक्शन है, और एक अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि वही आर्टिकल 368 के तहत कैसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि वहां से पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, 10th पार्ट है उसमें, ठीक है, 10th चैप्टर है। अब आपने ये पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब हम आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट वाला सेक्शन। आप उस सेक्शन को एज इट इज अभी रहने दीजिए, ठीक है, उस सेक्शन को अभी मत पढ़ना। अब आप आ जाइए सीधा लाइक प्रेसिडेंट पे। आपने एक तरफ प्रेसिडेंट पढ़ा पार्ट फिफ्थ, एक तरफ पढ़ाई गवर्नर, फिर आपने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, फिर प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, फिर सीएम पढ़िए, फिर पार्लियामेंट पढ़िए, फिर स्टेट लेजिस्लेचर पढ़िए। मतलब कंपेयर कंपेयर करते हुए आपको पढ़ना है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि पहले मैंने पूरा प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट पढ़ लिया फिर मैं गवर्नर शुरू करूंगा। हाँ, कंपेयर करके पढ़ोगे तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये हो गया आपका पार्ट फिफ्थ, पार्ट सिक्स का सेक्शन हो गया, ठीक है। और जैसे ही ये सेक्शन होता है पूरा, फिर उसके बाद आप जम कर चीजिए कर जाइए जुडिशरी की तरफ। जुडिशरी में भी सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ना है, ठीक है। फिर आप आ जाइए लोकल बॉडीज की तरफ। लोकल बॉडीज जैसे ही आपका बेटा खत्म हो जाए ना, पंचायत म्यूनसिपैलिटी, पंचायत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायत की कमेटीज इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपका पंचायत म्यूनसिपैलिटी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप आ जाइए आपने पॉलिटिकल पार्टी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से भी सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, वो सेक्शन पढ़ने के बाद बेटा फिर सीधा आप आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी है वो सारी लिखी हुई है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, स्टैटूटरी बॉडी है, वो सारा आपने कैटेगराइज करके बना लिया, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब जैसे ही आपके बॉडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप आ जाइए फिर वही वाला सेक्शन जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था सेंटर स्टेट रिलेशन का। अब आप पढ़िए इंटर स्टेट जोनल काउंसिल सेंटर स्टेट। उस सेंटर स्टेट में आपको मिलेंगी रिकमेंडेशंस, ठीक है। इसमें एआरसी रिपोर्ट रिकमेंडेशंस है सरकारी कमीशन की, ठीक है। वो सरकारी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, कुछ कुछ रिकमेंडेशन पढ़ लीजिएगा। उसमें से यूपीएससी प्रीलिम्स 19 में क्वेश्चन आया था, जैसे प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन था कि जो गवर्नर है वो गवर्नर अपने स्टेट का लोकल नहीं होना चाहिए, जिस क्योंकि इससे एक लोकल पॉलिटिक्स से बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये किस कमीशन की रिकमेंडेशन है, इट इज अ रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद गाइस आप लोग क्या करिए, जो इतना भी सेक्शन आपने पढ़ लिया है ना, उसके बाद आप उस सेक्शन के, जैसे मान लो आपने प्रियम्बल पढ़ लिया, तो प्रियम्बल के आप 20 क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। लक्ष्मीकांत की बुक के, लक्ष्मीकांत होने के बाद लक्ष्मीकांत की बुक के पीछे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, वो सारे के सारे क्वेश्चन बना लीजिए, तो बस हो गया लक्ष्मीकांत। बताओ क्या मुश्किल है लक्ष्मीकांत में, सिंपल है, ठीक है। सो गाइस वन मोर थिंग, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी, और इससे जो न्यू स्टूडेंट है उसको काफ़ी गाइडेंस मिलेगा। और गाइज अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसी रही वीडियो। थैंक यू सो मच।